शक्ल नजर आ रही है वो हमें इस जगह पर ले जाएंगे कि वो हमसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे उन टर्म्स पर जो पास में हम नहीं करते रहे हैं। ठीक, दूसरी वो हमसे इसराइल को, लेकिन श्रीलंका जो है जिस तरीके से उसने IMF को खैर बात कहा और जिस तरीके से चीन पर रिलाय किया, लेकिन चीन को तो बेल आउट करना चाहिए था ना। आखिरी रहा हूँ, मैंने कल परसों भी एक जगह पे एक टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि सारे लोग, हर पाकिस्तानी जेब में माचिस डाल के फिर रहा है, लेकिन कोई भी चैनल उनको श्रीलंका की सूरत हाल नहीं बता रहा। वी आर इंचेस अवे फ्रॉम श्रीलंका, इंचेस अवे। एग्जैक्टली, 5 भाई थे वहां पे, 20 साल उन्होंने वही ड्रामा किया जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि फैमिली पॉलिटिक्स, करप्शन और उसके बाद चाइना के कर। दोस्तों ये देखा आपने छोटा सा वीडियो, आगे आप देखेंगे पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हो या मकबूल जैन और उनके साथ एक इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के सामने अब लगभग लगभग पाकिस्तान का सरेंडर हो चुका है और अब ये भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल करने के बारे में सोच रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो मुज़ाकरात भी अमेरिका के अंदर हुए, क्या नजर आ रहा है कि ये नई हुकूमत कोई रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो सकती है या नहीं? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि इनको अपने डेट्स में या रिपेमेंट जो हमारी ड्यू हो रही है फॉरेन करेंसी के सिलसिले में, उसमें कोई थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाएगी और शायद कुछ हमारे लोन्स रीशेड्यूल हो जाएं और शायद IMF वाले भी इसको एक आध महीने तक आगे ले जाएं, मगर अल्टीमेटली कोई सब्सटेंशियल रिलीफ हमें नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में साल के एंड तक। हो सकता है जून तक थोड़ा बहुत बजट से पहले ये थोड़ा सा इम्प्रेशन ये दें कि बेहतरी हो रही है और शायद कर भी लें, मगर ये सिर्फ एक टेम्परेरी सा फेज होगा, इसके आगे हमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। अच्छा शबर साहब, ये बताइएगा कि जो बजट आगे हमारे सामने आ रहा है उसके ऊपर IMF कंडीशनैलिटी और उसका रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम जो हमारा जो उसका उसकी उसके है हमारे पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, इसमें ये बजट इस सिनेरियो में किस तरह का हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये बजट में ये कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे बुनियादी, और ये जो पिछले साल वाली पोजीशन है उसको ही चलाएंगे, कोई एक आध आइटम्स को देंगे, मगर इनकी कोशिश ये होगी कि ये किसी तरह से बाजार में डॉलर फेंक के या डॉलर को बाय करके ये डॉलर्स की शायद रुपी को नीचे लाने की कोशिश करें रोल ओवर के सिलसिले में, मगर जहाँ तक मुझे अब समझ आ रहा है कि शायद उसमें भी ये कामयाब होते मुझे नज़र नहीं आ रहे। जो मेरी हमारी परसेप्शन थी कि ये कामयाब हो जाएंगे, मुझे अभी जो आज की पोजीशंस हैं और जो सऊदी अरब का इम्प्रेशन है और जो वर्ल्ड बैंक का जो 12 मई को डेलीगेशन आ रहा था और जो वो दोहा में बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है इनके लिए बेसिकली। अच्छा जबर साहब, जो इस वक्त रूबल का जो क्राइसिस बिल्टअप हुआ है और जो गैस पाइपलाइंस की सूरत हाल बनी है, रूबल रेज करता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, पोलैंड का उन्होंने बंद की गैस, दूसरों की बंद की, उन्होंने अगले दिन काम पेमेंट करते रूबल में, इस क्राइसिस में डॉलर का जवाल, फिर हमारे डॉलर के साथ एसोसिएशन, आप क्या समझते हैं ये हम पे कितना बड़ा प्रेशर लेके आएगा? देखिए, बात ये ना कि जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो यूक्रेन की वॉर हो रही है, इसमें अमेरिकन्स जो हैं वो काफ़ी बुरी तरह, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन्स फंस चुके हैं और पूरी दुनिया का जो बुनियादी माशी स्ट्रक्चर है वो तब्दील होने जा रहा है। तो कोई भी आदमी इस वक्त पाकिस्तान कोई बड़ी कमिटमेंट पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है, और मैं ये समझता हूँ औरिया मकबूल जान साहब कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर शायद जो पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की स्ट्रेटजी है ये रीड्रॉ होगी और इस रीड्रॉइंग में एक बहुत बड़ा शिकार पाकिस्तान होगा। अच्छा ये बताइएगा, सबसे अहम चीज जो हम गुज़श्ता एक साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिसीजन मेकिंग सूरत हाल में है, मोहम्मद बिन सलमान जैसा बंदा कहता है कि हम किसी और तरफ जा सकते हैं ऑयल के बेचने के लिए, पाकिस्तान को क्योंकि दो ग्रुप बराबर सामने आ चुके हुए हैं, दो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद सिस्टम कौन सा रहेगा स्विच ऑन करने के लिए? देखिए, बात यह है औरिया साहब के जो ग्रुप दूसरा वाला है जिसको रशियन और चाइनीज कहते हैं,
या इसको दूसरा आप समझ लें कि रशियन या ये ग्रुप, अगर मुझसे आप आइडियोलॉजिकली पूछें तो मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए वो बेहतर है, मगर एक चीज होती है आइडियोलॉजी और एक चीज होती है जमीनी हकायक। जमीनी हकायक, जमीनी हकायक ये कहते हैं कि आपको मजबूरी में वेस्ट के साथ ही चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट पर, और एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स की नहीं है बल्कि मैन पावर की भी है, तो एक्सपोर्ट मैन पावर की भी जो है वो भी वेस्ट के अलाइज हैं और गुड्स के भी हैं वेस्ट के अलाइज हैं। अगर मैं आपको देखता हूँ, अगर इस दौरान में, आज नहीं मगर इस दौरान में कोई बड़ी सब्सटेंशियल चेंज सऊदी अरब में आती है जिसका चांस मुझे नजर नहीं आ रहा, फिर कोई तब्दीली आ सकती है। अगर सऊदी अरब में तब्दीली नहीं आई तो फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है रशिया की साइड पे जाने की, जाना हमें वेस्टर्न साइड पे ही जोड़ पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक, तो इसकी क्या कीमत अदा करनी होगी हमें? जी इसकी कीमत देखिए, कीमत तो मेरा ख्याल है अबुल जान साहब, कीमत हमने दे दी है, मगर अच्छा। मुझे जो खौफ है वो ये है कि हमें दो कीमतें और देनी पड़ेंगी। मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे दो कीमतें और देने वाली शक्ल नजर आ रही है, वो हमें इस जगह पर ले जाएंगे कि वो हमसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे उन टर्म्स पर जो पास में हम नहीं करते रहे हैं। ठीक, दूसरी वो हमसे इसराइल को तस्लीम करवाएंगे। अच्छा, तीसरा वो हमसे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को मतलब कम से कम मैनेज करना या उसको मॉनिटर करने की पावर लेंगे। ये चीज, ये तीनों चीजें हैं जो कि हुसैन अक्कानी के उस खत के अंदर मौजूद थी कि हम आपको एक जॉइंट मॉनिटरिंग दे देंगे, हम इंडिया के साथ तलकात ठीक कर लेंगे, और इसराइल तो वैसे दूर तराज की सोच है, वो जब सऊदी अरब करेगा तो फिर देखी जाएगी क्या होगा, लेकिन ये दो तो अहम चीजें नजर आती हैं शबाज अली साहब। देखिए बात ये है कि ये मैंने हुसैन अक्कानी की ये बात मैंने हुसैन अक्कानी के उसपे उसकी बुनियाद पे नहीं कही है। हाँ, ठीक है। जो मैं तजिया देख रहा हूँ, जो मैं इंडियन पॉलिसी देख रहा हूँ, जो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को मैं देख रहा हूँ, जिस तरह वो पाकिस्तान के इदारों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें हमारी हमारी अपनी गलतियां हैं, तो अल्टीमेटली वो तबाही आके उस जगह पर आ जाएगी कि हमें जाकर एक अमेरिकन की सपोर्ट के साथ उन टर्म्स पे हमें शायद फैसले करने पड़े जहां पर हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट कराएं। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया की हेजेमनी चाहते हैं। देखिए दौरे अबुल साहब, आप ये गौर करें कि श्रीलंका और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क थे जो कि इंडिया की और हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, और दोनों शदीद मुश्किलात में हैं। ठीक है, और ये उनका अपना कसूर है या किसी ने करवाया है वो बात की बात है, मगर ये रियलिटी है कि इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है और हमारी और श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई है, तो हम माशी तौर पर उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि हमें शायद इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करना पड़े। आज वो रिजाइन भी कर गए ना, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी कर गया आज को दो तीन। लेकिन श्रीलंका जो है जिस तरीके से उसने IMF को खैरबाद कहा और जिस तरीके से चीन पर रिलाय किया, लेकिन चीन को बेल आउट करना चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि चाइना जो है जिसने बकायदा इतने बड़ा इशू करके बैकअप करके रशिया को कहा कि तुम यूक्रेन में घुस जाओ और फिर साथ ताइवान की तरफ भी इशारा दे दिया, ये पाकिस्तान में और रीजन में सपोर्ट करने के मूड में नहीं है या शायद तो अभी देर करना चाहता है इस मसले में? देखिए अबुल जान साहब, मैं वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मगर मैं तालिबे इल्म हिस्ट्री का हूँ बेसिकली। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना कभी किसी कंट्री के अंदर कभी सब्सटेंशियल अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, नहीं रखता। उनकी साइकी में नहीं सही है, उनकी साइकी में नहीं है। चाइनीज सिर्फ चाइना के अंदर अपनी हेजेमनी चाहते हैं, उनको किसी मुल्क में कब्जा करना, किसी मुल्क को कंट्रोल करने का उनका कोई सदियों से कभी टेम्परामेंट नहीं है। जब चाइना तारीख में बहुत स्ट्रांग मुल्क था उस वक्त भी उन्होंने ये पूरा फिलिपीन का एरिया, ये इस एरिए को उन्होंने कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, वो लोग नहीं चाहते। तो चाइना के बारे में दो बातें मेरी बात आप लिख लें, चाइना कभी किसी कंट्री को पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं करेगा। दूसरी बात, चाइना कभी किसी कंट्री को सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड नहीं देगा, ये मेरी याद रखिए।
तो ये दो तीन चीजें हैं जो चाइना के बारे में हमें याद रखनी चाहिए। हम चाइनीज के साथ बहुत आगे बढ़ जाते हैं बाज दफा पे, मगर ये हम भूल जाते हैं कि चाइनीज जो नेशन है इसकी अपना एक टेम्परामेंट है, इसकी अपनी एक तारीख है, उस तारीख से आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि चाइना जो है वो कोई बुनियादी छबर साहब चाइना का तो ठीक है, लेकिन रूस जिसके बारे में इसको तो कह रहे हैं कि इट्स अ रिजुविनेटेड मलाइन एक्टर इन यूरोप आ गया है, और रूस की तो ये बड़ी लंबी चौड़ी तारीख रही है, कोई 400-500 साल की जारिस तारीख जो है। देखिए रूस का जहां तक सवाल है, अब रूस पे आ जाते हैं, रूस जब रूस कम्युनिज्म के साथ चल रहा था और रूस के अंदर सोशलिस्ट निजाम था, तो उस रूस के साथ तो हम उसको दूसरी तरह देखते थे, मगर मैं अभी समझता हूँ कि रूस तक इसके काबिल नहीं है इकोनॉमिकली, वो इस काबिल नहीं है कि वो दूसरी कंट्रीज को उस तरह सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली जिस सपोर्ट की हमें जरूरत है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास आज चॉइस नहीं है कि आप ये समझते हैं कोई रशियन ड्रोन आ जाएगा जो कोल्ड वॉर से पहले था और रशिया कंट्रीज को कंट्रोल करेगा। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट इनडायरेक्टली अब बात करने लगे कि भारत के साथ अब किसी ना किसी तरीके से व्यापार को चालू करें। जो व्यापार भारत से पाकिस्तान के इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बंद किया था, आर्टिकल 370 और 35A भारत ने जब उसको हटा दिया था उसके बाद से उनका ये रिप्लाई था कि वो भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे। हालांकि ये लोग आपको पता होगा मेडिसिन वगैरह ले रहे थे और उसके भी इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। अभी बहुत सारी ऐसी शिकायत आई हैं कि बहुत सारे जो मेडिसिन सप्लायर हैं उनके पैसे नहीं मिले पाकिस्तान की तरफ से। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, पाकिस्तान आपको पता है कि कृषि प्रधान देश है, जब पंजाब डिवाइड हुआ था तो 70% जो पंजाब था पाकिस्तान के अंडर में गया था उस टाइम का, और भारत के पास 30% गया था पंजाब। ऑब्वियसली पंजाब की भूमि आपको पता है कितनी उपजाऊ रहती है, वहाँ पे 5 नदियों का प्रदेश ही बोला जाता है। पाकिस्तान ने 5 नदियों की ऐसी बैंड बजाई, ना कोई नहर का सिस्टम बनाया, ना कुछ इन्होंने डैम बनाए, पूरा पानी ये समुद्र में वेस्ट करते हैं, आरोप भारत पर लगाते हैं। खेती को लेकर इन्होंने ना कुछ बीज का, भारत से ये बीज लेते थे, भारत से ये इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड पेस्टिसाइड जो कुछ भी लगता था भारत से ही लेते थे। अब इनकी हालत आप देख सकते हो। तो भारत के साथ अगर व्यापार चालू करेंगे तो इसमें पाकिस्तान का ज़्यादा फायदा है। लेकिन दोस्तों इसमें आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के आतंकवाद से कितना परेशान है आप जानते हैं। भारत में ये भारत के मुसलमानों को भड़काने का कितना प्रयास करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली वो पहले से ही भड़के हुए हैं, वो आपको सब कुछ पता है आपको, मैं कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है आपको, भारत को पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिश्ते करने चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान अब ऑफर रखेगा, भारत ने तो बंद किया नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से बंद है। तो प्लीज कमेंट में अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब।